सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव विद संजीव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मैनुअली ऑपरेटेड हैंड प्रेस जूसर की, जो कि है BTC इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर्ड, मेड इन इंडिया है। पूरा नाम है इसका BTC इंडिया HPJ एलुमिनियम हैंड प्रेस जूसर, जिसे कि मैंने अमेजोन से बाई किया है लगभग 1850 के कॉस्ट में। और फ्रेंड्स, इसके अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूँ तो ये साइट्रस फ्रूट्स के लिए ही सुटेबल है, जैसे कि ऑरेंज हुआ, पोमोग्रेनेट हुआ, लेमन हुआ, कीनो हुआ और मौसमी हुआ। तो जो पल्पी फ्रूट्स इस तरह के हैं जिनमें ज़्यादा जूस होता है, इसे इजीली स्क्वीज किया जा सकता है, उन फ्रूट्स के लिए है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आगे के वीडियो में इसका पूरी वर्किंग मैकेनिज्म और जूस निकाल के भी दिखाऊँगा इसके थ्रू। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक प्लास्टिक ग्लास मिली है, और ये जो जूसर है ये काफ़ी हाई क्वालिटी एल्युमिनियम के से बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो आपके कहीं हैंडल वगैरह में प्लास्टिक ग्रिप भी है, और कुछ स्टील के कंपोनेंट्स भी यूज़ हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बगल में एक जो है एक आप समझ लीजिए एक हैंडल टाइप का है, जो कि इसमें स्क्रू भी मिला है प्लास्टिक के पार्ट में, जिसको कि आपको वहाँ मैनुअली जो है स्क्रू ड्राइवर से आपको उस स्क्रू को टाइट करके लगाना होगा। और देख सकते हैं ये ग्लास काफ़ी बड़ी है। तो ये जो नीचे हैंडल का मैकेनिज्म है, ये हैंडल के थ्रू आप इसको जो है राउंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज में प्रेस करके जूस आप नीचे इजीली स्क्वीज करेंगे। और इसको देख सकते हैं ये जो जहाँ पे आप मौसमी रखेंगे वो चीज़ें सेपरेबल भी है, ये चीज़ सेपरेट भी हो सकती है। जैसा आप देख सकते हैं इसको राउंड डायरेक्शन में करके निकाल के सिर्फ इसी को आपको धुलना रहता है। तो ये यूज़ करने के मामले में काफ़ी कन्वीनियंट जूसर है मेरे अकॉर्डिंग, और ख़ासकर इन फ्रूट्स के लिए साइट्रस, जैसे कि मौसमी या प्रोमोग अनार या अनानास भी शायद इससे निकल सकता है, अनानास का जूस, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेस्ट है। आप वीडियो में देख सकते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रेश जूस निकालने की प्रोसेस को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4 मीडियम और स्मॉल साइज मौसमी को हाफ में कट कर रखा है, और इसको इस प्लेस पे रख के और आप जो है प्रेस करेंगे। नीचे मैं प्लास्टिक ग्लास लगा देता हूँ जो कि इसके साथ मिली थी, और इसके बाद आसानी से हैंडल को राउंड डायरेक्शन में घुमा के प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं बाहर ये बिल्कुल भी स्पिल नहीं हुआ है, और सारे जूस नीचे आराम से निकल गया ग्लास में। कभी कभी और अगर मौसमी का साइज़ छोटा है तो 2-4 बूंद बाहर की तरफ स्पिल कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अंदर ही चली जाती हैं नीचे ग्लास में। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली मैं प्रेस कर रहा हूँ, और मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में इसे फर्श पे ही अनबॉक्सिंग करने के चक्कर में मैं जूस निकालने लगा। तो इस वीडियो को शूट करने और एडिटिंग के पीछे मुझे 7-8 दिन का समय मिला, और मैंने इसे 7 से 8 बार यूज़ किया, लगभग डेली यूज़ किया, और इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। और ये मैनुअली ऑपरेटेड है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी पोर्टेबल है, वेट भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 4 केजी के नियर अबाउट इसमें लिखा है वेबसाइट पे। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो वेस्टेज है, जो पल्प के अंदर वेस्टेज है, वो भी काफ़ी कम है। इसके अंदर जो मौसमी का जो जूस निकालने के बाद जो अंदर वेस्टेड है वो काफ़ी कम है, और थोड़ा इसमें जूस बहुत नामात्र का बचा रहता है। इस तरह से देख सकते हैं आप ये मैकेनिज्म। अभी मैंने मुझे वीडियो शूट करते वक्त ही पता चला था, पहले से नहीं पता था। तो इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मूव कर देते हैं तो मतलब फिक्स हो जाता है, फिर वो हैंडल को उठाने पे उसके साथ नहीं उठता। ये भी अच्छी है कि इसकी जो है क्वालिटी है, इसमें फीचर है, देख सकते हैं आप काफ़ी कम वेस्टेज है। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने लगभग 1850 में बाइक किया था अमेजोन से, और इसमें लगभग 20 साल की वारंटी है। वारंटी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा,
और जैसा कि ग्रेट इंडिया सेल शुरू होने वाली है, तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। मुझे श्योर है कुछ ना कुछ डिस्काउंट उसमें भी आपको सेल की वजह से मिल जाएगा। तो सेल में आप ज़रूर देखें इसे अगर आपको कोई जूसर लेना हो। और मेरे तरफ से बेस्ट रिकमेंडेड है। एक वन वीक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और आगे मैं और भी एक महीने या दो महीने पर भी मैं इसे वीडियो अपना एक्सपीरियंस वीडियो एक अपलोड करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग सारे हो चुके हैं और वेस्टेज इसमें बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं इतना जूस निकला इसमें। इसकी प्लास्टिक की ग्लास की कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है 800 या 900 ml के नियर अबाउट होगी। मैं इसे स्टील की ग्लास में दिखाता हूँ आपको। इतना जूस आपको मार्केट में 25 से 30 रुपये नॉर्थ इंडिया में मिल जाता है। और अगर आप मौसमी के रेट की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप होलसेल मंडी वगैरह से लेते हैं तो 30 रुपये से लेके 36-37 रुपये तक जो है 32-37 रुपीज़ तक में आपको मंडी में मौसमी पर केजी के रेट से मिल जाता है। तो अगर आप जूस पीने के शौकीन हैं, आपको ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।